मुझे कामयाब शख्स बनना है। हर आदमी ये चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब चाहता हूँ। इंग्लिश में इसे कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन। मुझे एक कामयाब शख्स बनना है, कामयाबी मुझे चाहिए। ये मेरा एक सबका एक हर आदमी का मकसद होता है। कोई कामयाबी को सेहत में तोलता है, कोई कामयाबी को पैसों में तोलता है, कोई कामयाबी को ओहदे मनसब पे तोलता है कि मैं अगर नेता बन गया तो मैं कामयाब हूँ, मेरे पास इतना पैरों भी आ गया तो मैं कामयाब हूँ, और अगर मैं इन सब डिपार्टमेंट का हेड बन गया तो मैं कामयाब हूँ, और अगर मेरे पास मालूमत आ गया तो मैं कामयाब हूँ, मेरी सेहत फर्स्ट क्लास हो गई, मेरी बॉडी ऐसी बन गई तो मैं कामयाब हूँ, या और भी कई कई किस्म के लोगों के अंदर बातें होती हैं कि अगर मेरे पास ये होगा तो मैं कामयाब हूँ। हर एक ने अपने लिए कामयाबी के अलग अलग लेवल को सेट कर रखा है। जो साइकिल चलाता है वो कहता है मेरे पास गाड़ी आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। मोटरसाइकिल चलाता है, जो मोटरसाइकिल वाला होता है वो सोचता है मेरे पास गाड़ी आ जाएगी फोर व्हीलर तब मैं कामयाब बना जाऊँगा। फोर व्हीलर सोचता है कि मेरे पास अगर 10 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 25 लाख की गाड़ी होगी तो मैं कामयाब बना जाऊँगा। तो हर एक इंसान का नजरिया जो होता है कामयाबी को लेकर अलग अलग होता है। जैसे इंसान के हालात होते हैं वैसे ही उसने अपने एतबार से कामयाबी का ग्रेड बना रखा होता है। कोई कमजोर होता है, कैंसर का मरीज होता है, उसको यही कामयाबी का टारगेट होता है कि बस मेरी कैंसर दूर हो जाए और मैं सेहतयाबी पा लूं, बस मैं कामयाब हूं। तो जिसके साथ जो सिचुएशन होती है, जिसके साथ जो मामला पेश आता है, उसने कामयाबी का ग्रेड उसके एतबार से सेट कर रखा है। लेकिन क्या कभी किसी ने गौर किया कि हमारे और आपके नजदीक कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? और अल्लाह सुबहाना व तआला कामयाबी किस चीज को मानते हैं? अल्लाह सुबहाना व तआला के नजदीक कामयाब है कौन? क्या कामयाब अल्लाह के नजदीक माल ज्यादा कमाने वाला है? क्या कामयाब अल्लाह के नजदीक ज्यादा सेहतमंद आदमी है? क्या कामयाब अल्लाह के नजदीक ज्यादा मनसब का आदमी मालिक बन जाए तो कामयाब है, या कोई ज्यादा महंगी गाड़ी ले ले तो कामयाब है? कामयाबी दरअसल है कि तो इसको अल्लाह सुबहानहू व तआला ने बड़े बेहतरीन अंदाज से अपने कुरान करीम के अंदर इस बात को इरशाद फरमाया, कद अफलहल मुमिनीन, कि बेशक मोमिन कामयाब हो गए। अब यहां एक बात समझने की है कि कामयाब बनने के लिए मोमिन होना क्या है? जरूरी है। अगर मोमिन नहीं होंगे तो कामयाब आप हो ही नहीं सकते। तो कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिनों ने कामयाबी पा ली।